हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ के जी भाई साहब। आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू सात ऐसे खिलाड़ियों का नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो बहुत ही ज़्यादा नाखुश है यार ओले गुनर सोल्शर के साथ। सब बहुत गुस्साए हुए हैं और उनके खुद के रीजंस हैं। गुस्साने के क्या रीज़न है, कौन वो प्लेयर्स हैं, आज की वीडियो में एग्जैक्टली तुमको यही पता लगने वाला है। साथ ही साथ भाई साहब, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूअस सपोर्टिंग आवर चैनल। भाई साहब, वन फुटबॉल इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल ऐप फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। देखो, तुम अगर बार्सिलोना फैन हो तुमको ये चीज़ पता होगी कि स्टर्लिंग के पीछे बार्सिलोना पगली हुई है खरीदने के लिए अभी विंटर विंडो में। तो भाई साहब, स्टर्लिंग को थोड़ा सा पाना मुश्किल लग रहा है, इसीलिए अब बार्सिलोना जियेश के पीछे जो है वो पढ़ने के लिए तैयार है। ये सब खबरें तुमको वन फुटबॉल में मिल जाएंगी। केवल बार्सिलोना ही नहीं, तुम्हारी क्लब की जो है वो खबरें तुमको जो है वो वन फुटबॉल ऐप दे देता है। साथ ही साथ कल मैच भी हुआ था, अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील, 0-0 का स्कोर लाइन, रिव्यूज अवेलेबल विद टीम शीट, लाइन अप एंड ईच एंड एवरीथिंग ऑन वन फुटबॉल ऐप। डाउनलोड करना मत भूलना, था लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फ्री अवेलेबल ऐप है, डाउनलोड करो अभी के अभी। अगर तुम डेस्कटॉप और लैपटॉप में देख रहे हो तो क्यूआर कोड स्कैन करके जो है वो भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट दोस सेवन प्लेयर्स और उनके पर्टिकुलर रीजंस कि क्यों वो जो है वो नाखुश है हमारे ओले गुनर सोल्शर के साथ। खैर, सबसे पहले तो फैंस ही बहुत नाखुश हैं भाई, क्योंकि ओले का स्टंट जो चल रहा है मैन यूनाइटेड में, टू बी रियली ऑनेस्ट एज अ न्यूट्रल, मेरे को खुद बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा यार। मेरे को लग रहा है कि ये बंदा कैपेबल ही नहीं है यूनाइटेड को जो है वो कोच करने के लिए। इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं लेकिन यूनाइटेड बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है। टैक्टिक्स ना समझी, मतलब समझ ही नहीं आते, ना समझ तरीके के होते हैं। साथ ही साथ फेवरेट्स हो गए ना कुछ प्लेयर्स इनके, तो भले वो कितना भी गंदा खेलें चेंज ही नहीं होते हैं, लाइनअप स्टेज द सेम। तो बहुत सारे रीजंस हैं यार ओले को सैक कर देना चाहिए। रिजल्ट्स भी खास नहीं आए, है ना, सिटी के खिलाफ आप हार गए और भी कई सारे जो है वो रिजल्ट्स इधर उधर बहुत ही गंदे आए हैं अभी हाल ही फिलहाल में। तो समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद शायद सैक कर देंगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो अगली वीडियो का भी बना देंगे, लेकिन अभी सात प्लेयर्स के ऊपर जो है वो नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्लेयर जो गुस्साया हुआ है और वो है डॉनी वैन डी बेक। भाई साहब, इस बंदे को एएक्स से आप लेकर के आए, एएक्स में ये बीस्ट था, बेलेंडोर के लिए नॉमिनेटेड था, 3 गोल इसने चैंपियंस लीग में मारे थे, सेमीफाइनल्स में एएक्स पहुंची थी 2019 की, तो उसमें डॉनी वैन डी बेक का बहुत बड़ा हाथ था। और ये बंदा आता यूनाइटेड एंड ही इज जस्ट अ बेंच वार्मर। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्यों ही इज नॉट स्टार्टिंग इन दी मैनचेस्टर यूनाइटेड का टीम, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्लेयर है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। और ओले जब इसको लेके आए थे तो कई सारे प्रॉमिसेस भी करे थे यार इंटरव्यूज वगैरह में कि हाँ डॉनी इज माय प्लेयर, मैं यूज करूंगा, ऐसा वैसा ये वो खूब कहा था। बट ट्रूथ बी टोल्ड, भाई साहब, डॉनी वैन डी बीक इज जस्ट अ बेंच वार्मर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या है कि ब्रूनो और डॉनी को कैसे सेम में खिलाए। देखो, इन ऑर्डर टू डू दैट, सीधी सी बात यह है कि ब्रूनो अगर थोड़ा सा डीप खेलते हैं, डॉनी को वो नंबर 10 वाला रोल अगर दिया जाए तो डॉनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस स्पेस में, लेकिन वो स्पेस देना नहीं चाहते हैं ओले गुनर सोल्शर इसको। साथ ही साथ जो डॉनी का गेम है वो गेम ओले का है ही नहीं। डॉनी लाइक्स टू पोजेशन वाला गेम खेलना, है ना, वो पोजेशन बनाना पसंद करता है, मिडफील्ड में नंबर 10 बन के पोजेशन, फास्ट पासिंग, फास्ट पेस वाली फासिंग करना पसंद करता है। और मैन यूनाइटेड स्पेसिफिकली इसी चीज़ को लैक कर रही है मिडफील्ड में। तो इन ऑर्डर टू हैव डॉनी बैक इन मैनचेस्टर यूनाइटेड का लाइनअप, बैक क्या वो तो कभी हुए ही नहीं, नया मैनेजर आने की ज़रूरत है, नया सिस्टम तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिस्टम ओले का है वो डॉनी का नहीं है। इसीलिए शायद हमको डॉनी ज़्यादा खेलते हुए नहीं नज़र आते मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बट द पोटेंशियल विद दिस गाय हैज इज इनक्रेडिबल, इमेंस पोटेंशियल, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ गेटिंग वेस्टेड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ द मैनेजर ओले गुनर सोल्शर एंड हिज प्लान्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एनीवेज, भाई साहब, लेट्स टॉक अबाउट द अदर प्लेयर। सेकेंड नाम जो मैं लेना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं ओले गुनर सोल्शर के जो है वो रूप से, और वो है भाई साहब एलेक्स टेलेस। एलेक्स टेलेस भी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही बेहतरीन, तो चलो ठीक है, मतलब अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है गुस्सा ना नहीं। तो एलेक्स टेलेस जो है वो अच्छे प्लेयर हैं, लेफ्ट बैक है, लेकिन बात ये आती है ना यार कि लूक शॉ बहुत ही बेकार खेल रहा था एक समय, और इसी के चक्कर में तो एलेक्स टेलेस को खरीदा गया था। अब लूक शॉ एक ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो यूरोज़ के हैंगओवर से उतरा नहीं है, ही इज स्टिल, वो यूरोज़ में हारने के, मतलब यूरोज़ के बाद लूक शॉ इज़ नॉट लूक शॉ। यूरोज़ में लूक शॉ वॉज लुकिंग फिनोमिनल, यूरोज़ से पहले भी लूक शॉ वॉज लुकिंग फिनोमिनल, बट यूरोज़ के बाद मज़ा नहीं आ रहा है लूक शॉ को देखने में। और
अब तो एलेक्स एलेक्स को जो है वो जगह मिलनी चाहिए ना स्क्वाड में, क्योंकि लुक शो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो अब तो दो। लेकिन ओले गुनर सोलशायर दे ही नहीं रहे हैं। एक चांस मिली थी विलारियल के खिलाफ जिसमें एलेक्स टेलेस के चलते तुम कह सकते हो कि ओले गुनर सोलशायर की जॉब बच गई। विलारियल के खिलाफ एलेक्स टेलेस का वॉली था और उस वॉली के बाद एलेक्स टेलेस को तो भैया गेम खेलने ही नहीं दिया गया। तुम सोच सकते हो इतना इंपॉर्टेंट गोल मारने के बाद एलेक्स टेलेस अगले मैच में, जो था मेरे ख्याल से एवर्टन के खिलाफ, सॉरी लिवरपूल एवर्टन के खिलाफ, एलेक्स टेलेस को बेंच कर दिया गया था और लूक शॉ स्टार्ट करे थे। उसके बाद भाई साहब लिवरपूल का गेम था, उसमें भी एलेक्स टेलेस जो है वो बेंच में थे, जबकि जो सिस्टम लिवरपूल वाले गेम में खिलाया गया था 3-5-2 उसमें जो है वो एलेक्स टेलेस बिल्कुल तरीके से जो है वो फिट होते हैं बैक थ्री वाले सिस्टम। एलेक्स टेलेस को आप लेफ्ट बैक खिलाएं, लेफ्ट विंग बैक खिलाएं, एलेक्स टेलेस बने ही उस चीज़ के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वहाँ भी नहीं खिलाया गया। उसके बाद गेम था स्पर्स के खिलाफ जिसमें एलेक्स टेलेस भाई साहब बेंच में भी नहीं थे। अब तुम सोच सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये बंदा आपको अच्छा परफॉर्मेंस था विलारियल के खिलाफ, लेकिन क्या ही मैं कहूँ, एवर्टन के खिलाफ लूक शॉ की गंदी परफॉर्मेंस थी, लिवरपूल के खिलाफ भी ठीक ठीक थे, तो यार चांस देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चांस मिलते ही नहीं है। थर्ड प्लेयर जो अभी भी नाखुश है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और वो है जेसे लिंगार्ड। भाई साहब जेसे लिंगार्ड पिछले सीजन ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा था, बोले कि मेरे को लोन में भेज दो, लोन में भेजा गया वेस्ट हैम और वही विंटर लोन में। सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन ऑफ जेसे लिंगार्ड इन वेस्ट हैम वॉज फिनोमिनल। ही वॉज स्कोरिंग गोल्स फॉर वेस्ट हैम, और वेस्ट हैम जहाँ पे पिछले सीजन फिनिश करी थी वहाँ फिनिश करवाने में जेसे लिंगार्ड का बहुत ही बड़ा हाथ था। अब उसी के चलते जेसे लिंगार्ड को भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड वेस्ट हैम जो है वो खरीदना चाह रही थी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला कि हमको 30 मिलियन चाहिए। अब जिस हिसाब की क्लब है वेस्ट हैम देना नहीं चाहती थी वो 30 मिलियन, एंड ऑफकोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर मैं रहता मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड के प्रति या फिर ओले गुनर सोलशायर के मतलब बिहाफ में, तो सीधी सी काम मैं एक ये करता कि ये सीज़न आखिरी है भाई साहब हमारे जेसे लिंगार्ड का, ख़त्म होने वाला है इस सीज़न के बाद, तो आप बेच दो ना, वैल्यूएशन को मीट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ऊपर नीचे वैल्यूएशन फिर से करवाओ। 30 मिलियन आप मांग रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 25 मिलियन में दे करके नक्की करो, लेकिन नहीं, इनको बेंच में बैठाना है। ओले ने बोला कि बहुत अच्छा खेला मैं यूज़ करूँगा, आ गए वापस, वेजेस इनकी भाई साहब आसमान छूने वाली हैं। इनकी वेजेस है अराउंड 100,000 पाउंड्स पर वीक की जो है वो ये वेजेस में चल रहे हैं बेंच में बैठने के लिए, एंड इनको अब चांस ही नहीं मिलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। वही जो फेवरेट इनका ओले का जो है वो फॉर्मेशन मिडफील्ड में पोग्बा ब्रूनो और कोई कभी ग्रीनवुड आ जाते हैं तो कभी अपने स्कॉट मैकटोमिनी आ जाते हैं, ये फॉर्मेशन खिलाया जाता है। जेसे लिंगार्ड, डॉनी वैन डी बीक, इनका तो नामो निशान भी जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता है। तो जेसे लिंगार्ड को प्रॉमिस किया गया था कि तू आ तेरे को जो है वो हम खिलाए जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेसे लिंगार्ड इज नो वेयर टू बी सीन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड का एनी प्लेइंग 11 का स्क्वाड। वंस इन अ वाइल इधर उधर 10-5 मिनट, बट उससे ज़्यादा नहीं। अरे मेरे को याद है वो कौन था यार, फलीनी था ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जोसे मरिनो का, जिसके साथ थोड़ा सा आउटब्रेक सा चलता था, और मिकिटारियन भी थे जिसका आउटब्रेक चलता था जोसे मरिनो के साथ, लेकिन स्टिल जोसे मरिनो उनको टाइम दे देते थे एक आध दो बार से खेलने के लिए, लेकिन ये तो टाइम ही नहीं देता है भाई, और ये अच्छे प्लेयर हैं। फलीनी और मिकिटारियन से तो बेटर है जेसे लिंगार्ड यार, उसको तो टाइम दे दे भाई, लेकिन नहीं, ओले इज ओले, और इसीलिए जेसे लिंगार्ड भी जो है वो नाराज है। अदर प्लेयर जो नाराज है मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो है डियागो डेलॉट। डियागो डेलॉट एक राइट बैक है और वो हर एक काम कर सकते हैं जो एरन विसाका नहीं कर सकते। दोनों पोलर अपोजिट्स हैं, एरन विसाका अटैक करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और डिफेंस में थोड़ा सा ऑफ लगता है, लेकिन डियागो डेलॉट अटैक में थोड़ा सा फीका लगता है बट डिफेंस में अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से कुछ गेम्स में डियागो डेलॉट को जगह मिलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको मिलती नहीं है। पिछले सीजन लोन में गए थे एसी मिलान में, जहां वो अच्छा खेले, बहुत अच्छा नहीं बट अच्छा खेले, लेकिन हाँ वापस आए यूनाइटेड में ये सोच करके कि चांस मिलेगी। ओले की तरफ से भी थोड़ा सा था कि हाँ वैन बिसाका का बैकअप है तू, तेरे को मैं चांस दूंगा कभी ना कभी। अनफॉर्चुनेटली दोस चांस नेवर केम, एक आध दो मैच में इधर उधर, बट डियागो डेलॉट इज अ गुड प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट गेटिंग हिज चांसेस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई साहब एक और प्लेयर जो बहुत ही उदास है, खैर इनका उदास होना ज़्यादा बनता भी नहीं है, और उनका नाम है एरिक बेई। देखो मैं मानता हूँ हैरी मैग्वायर बहुत ही बेकार खेल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है हैरी मैग्वायर का गेम देखने में, बट दैट डजंट मीन कि एरिक बेई भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऑल दो ही इज़ अ कॉम्पिटिशन टू मैग्वायर, बट हमने उनकी मिस्टेक्स देखी मैनचेस्टर सिटी में, एक ओन गोल उनको खिलाफ देखने को मिला था। ऑल दो ही इज़ नॉट दैट क्लास प्लेयर, बट एक अच्छे मैनेजर का ये कर्तव्य होता है कि जो एक क्लास प्लेयर नहीं है आपके स्क्वाड में आप उसको भी क्लास बनाने की कोशिश करो, बट
बट वो तो होता ही नहीं है। एरिक बेरी कैन गिव हिज परफॉर्मेंस हियर इन एंड देयर, कभी ना कभी मैग्वायर के बदले चांस दे के दिखना चाहिए, बट वो चांसेस मिलते ही नहीं है। हैरी मैग्वायर के बदले एरिक बेरी को स्टार्ट करके एक दो बार देखा तो वो हक दिया, तो बंदा नहीं है ज़्यादा उदास होना, बट थोड़ा सा जो है मैं कहूँगा कि हाँ यार एक आध दो बार तो चांस देना सकता है, मतलब हाँ एक आध दो बार और देखे देखो। अदर प्लेयर जो थोड़े से उदास हैं और वो हैं भाई साहब डीन हेंडरसन। डीन हेंडरसन भाई साहब गोलकीपर हैं और बहुत ही अच्छे गोलकीपर हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको भी चांसेस ज़्यादा मिले नहीं डिएगा के ऊपर। ऑल दो जब चांसेस दिखने लगे कि हाँ मिल सकते हैं डिएगा के ऊपर, तब भाई इंजर्ड हो गए, और जब अगर आप इंजर्ड हो तो फिर आप जो है वो नहीं कह सकते कि मेरे को चांसेस नहीं मिले। सेप्टेम्बर तक भाई इंजर्ड थे और सेप्टेम्बर तक डिएगा बहुत अच्छा खेलने लग गया यार, अब रीजन ही नहीं था कि डिएगा की जगह हेंडरसन को जो है वो चांस मिले, बिकॉज डिएगा बहुत ही अच्छा जो है वो नजर आया हमको खेलते हुए। अब देखते हैं क्या हेंडरसन को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट एनीवेज वो तो हमको कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। एनीवेज द लास्ट प्लेयर जो थोड़े से नाराज हैं और वो हैं एंथनी मार्शियल। एंथनी मार्शियल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि यार एंथनी मार्शियल मतलब ना बहुत इनकंसिस्टेंट है, समिंग इट अप बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, कभी अच्छा खेल लेता है कभी अच्छा नहीं खेलता है। ऑल दो एक गलती ओले की मैं जो कह सकता हूँ और वो है कि वो एंथनी मार्शियल को ऐसा सेंटर फॉरवर्ड देखते हैं, ऑल दो वो विंगर हैं, उनका गेम भी मेरे को पूरा विंगर टाइप का लगता है, बट भाई साहब ये ओले का ना सोशर को लगता है कि स्ट्राइकर बन के खेलेंगे। ऑल दो चलो ये टैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, बट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एंथनी मार्शियल ऑल्सो डस नॉट इम्प्रेसेस मी अलॉट। मतलब वो जब भी पिच में आता है ही लुक्स लाइक वेरी टायर्ड, जैसे उसका मन नहीं है खेलने का, ऐसा लगता है उसको देख करके। अब देखते हैं खैर एंथनी मार्शियल का क्या होता है यूनाइटेड में की नहीं होता है। एनीवेज जितने ही मैंने प्लेयर्स का नाम लिया ना, 7 प्लेयर्स का नाम लिया, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर लुकिंग फॉर एन एग्जिट इस समय इस विंटर विंडो में। वो डोनी वैन डी बीक हो गया, वो भी चाह रहे हैं कि मैं क्लब छोड़ के जाऊं क्योंकि चांसेस ही नहीं मिल रहे हैं। एलेक्स हो गए, वो भी चाह रहे हैं मैं क्लब छोड़ के जाऊं क्योंकि मेरे को भी चांसेस नहीं मिल रहे हैं, आप लूक शो को ही खिलाए जा रहे हो यार। एरिक बेरी भी जो है वो सोच रहे हैं कि यार देखूं मैं अगर मेरे को चांसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो देयर आर प्लेयर्स हु आर लुकिंग एग्जिट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दीज आर वेरी गुड प्लेयर्स, दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल, बट सीधी सी बात ये आ जाती है अगर इनको काम करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा यूनाइटेड का, खासकर डोनी वैन डी बीक के केस में। अब वो तो एक नए मैनेजर के अंडर में होगा और ज़्यादा दिल्ली दूर नहीं लग रही है मुझे नए मैनेजर आने से, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट ट्रूथ बी टोल्ड आने वाले 3 गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। विलारियल है, अटलांटा है और एक आध दो और है, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, बट हाँ 3 प्लेयर मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ क्लब्स का जिनके खिलाफ यूनाइटेड अभी खेलने वाली है। ये 3 गेम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेंगे ओले के भाई साहब फ्यूचर के लिए, तो अब देखते हैं क्या होता है। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो आया माशा के साथ नहीं, टेक केयर, प्लीज विस्कल बारसा, जय हिंद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट लाइक दिस। एनीवेज बाय बाय।